हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 3:14 और मैं आया था यार मैडम का खाना लेने के लिए, जो वही हथिया है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि आया हूँ 9 किलोमीटर दूर 20 रियाल का खाना लेने के लिए, बताओ। तेल तो है ही नहीं, उसके बाद बताया नहीं, तो गया हूँ सबसे पहले तेल डलाया 10 रियाल का, मिला है 4 लीटर 58 ml ऐसे कुछ मिला है, 5 के करीब, बस 5 नहीं मिला टोटल। तो तेल लिया हूँ 10 रियाल का, और ये है नूस शवाया और चावल, यानी मुर्गी है, मुर्गी चावल है, तो यही लेके जा रहा हूँ। 20 रियाल का ये, 10 रियाल का तेल, 30 रियाल, और उसके बाद अभी जाना है मुझे सिमसा, उसका जो है पार्सल लेने के लिए, लोकेशन भेजी है वो भी, मतलब उससे वो तो नज़दीक में है लेकिन दूर ये है, आउट एरिया में है ना, और थोड़ा लोकेशन पे आया हूँ तो इसलिए वीडियो बना नहीं सका इधर का, तो अभी तो फ्री हुआ हूँ। आया हूँ, इससे पहले भी एक बार आया था लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न था, है नज़दीक लेकिन रास्ता इधर से उधर है ना, इसी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अभी जा रहा हूँ जो है सिमसा जाऊँगा, सिमसा से इसका पार्सल लेकर उसके बाद तब जाऊंगा रूम पर। वैसे खाया पिया हूँ नहीं, सुबह से केवल सोया हुआ था, लेटा हुआ था, गाड़ी सीखने गई नहीं थी आज। आज हो गया यार गाइस कम से कम 4 दिन हो गया है, वही 2 या 3 दिन गई थी बस, उसके बाद तब से गाड़ी सीखने नहीं गई है। पता नहीं सीख के पक्का हो गई मास्टर एकदम लगता है मुझे। हमने कहा चलो जाया ना जाए, सुबह छुट्टी मिला मुझे। अपना सोया हुआ था, खाना वाना खाया भी नहीं, वही 4 बजे खाया था बिरयानी वाला, वही चिकन था चावल था, तब से सोया हूँ। अभी भूख लगी नहीं है, जा रहा हूँ दूंगा, उसके बाद देखता हूँ अगर काम धाम रहेगा तो लेके जाएंगे कहीं, हाँ नहीं तो चलते हैं अपना खाएंगे पियेंगे। और हाँ कल तो समझ लो सुबह से लेके शाम तक फोन आया ही नहीं था, एक भी नहीं, केवल उसकी लड़कियाँ 8:30 फोन करी थी, हमें लगा कहीं जाएगी, तो मैं भी अपना पानी चार्जर पावर बैंक सब लेके फिट हुआ, हमने सोचा हो सके जाए घूमने, तो कहा पता चला जिम जा रही है, तो हमने कहा चलो 8:30 जिम गई, 10:30 आई, कहानी खत्म। एक्चुअली गाइस मैं जो लोकेशन पे आया था वो नाम दिखा रहा था गूगल मैप पे अल फरोशिया, यही नाम दिखा रहा था लेकिन वो उससे थोड़ा और सा आगे था आउट एरिया में, पूरा धुरिया दुर्खंड है। हवा चल रही है वैसे लाजवाब हवा चल रही है। मैं गाइस वहाँ पे गया था, वो जो पहाड़ी एरिया दिख रहा है ना वो इलाका वहीं पे गया था। अभी ये क्या है, आउट एरिया है, ऊपर से नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन फिलहाल व्यवस्था टकाटक है, एक नंबर का, सब चीज लाइट पानी बाथरूम सड़क होटल सब टकाटक, भले आउट एरिया है लेकिन टकाटक है। ठीक है गाइस, पहुंचने वाले हैं सिमसा, और अभी जो है 3:33 हो रहा है, अभी खुला है, अभी नहीं तो 10-15 मिनट में अजान हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा कहानी, फिर जाना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। तेल भी नहीं है कि मतलब जाओ आओ। हाँ यार तेल भी खत्म होने वाला है एकदम, बताओ 4 पॉइंट कुछ लीटर मिला था, खत्म। तो गाइस ये है मेरा सिमसा सामने, इतना हल्का है, पता नहीं इसमें क्या है, उड़ जा रहा है बताओ, एकदम हल्का। तो गाइस जो है जा रहे हैं रूम पे, अब उतना बड़ा डब्बा है बताओ, उस डब्बे में पता नहीं क्या है, जितना वजन डब्बे का है उतना वजन वो है ही,
निकल रहा था लेके, हवा चल रहा है, उड़ रहा था पता नहीं क्या है, वो ही जाने। तेल एकदम खत्म होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि 4.5 लीटर में 30 किलोमीटर आना जाना, टोटल 30 किलोमीटर चला हूँ। तो गाइज पहुंच आया हूँ रूम पर, मैडम का सामान दे दें, उसकी बहनिया का, उसके बाद चलते अपने रूम में। अजान भी हो रही है, फजर देख रहे हैं क्या बोलते हैं, मैं फजर बोल रहा हूँ असर की। देखो जिम करने जाएगी मैडमों की तीसरी नंबर बहनी है कि नहीं जाएगी, कल तो कोई गया नहीं था, केवल उसकी लड़की वही 8 बजे गई थी बस, 8:30 बजे। गर्मी बहुत ज्यादा है यार। कमाल देखिए चल रहा है, इसको यही करना पड़ता है, करंट आता है तो जल्दी चलते नहीं, उंगली डाल के घुमाओ। अभी चल रही है तो गाइस इधर नाम ले रहा था, हाँ इधर फोन आ गया, कह रही गाड़ी चालू करो जा रही है, देखें जिम जाए कहाँ जाएगी, फिलहाल वही है जो जिम जाती है। तो गाइस जो है मैडम की सिस्टर को अभी ये जिम छोड़ के जा रहा हूँ रूम पे, आई है तुरंत, उसके बाद अभी ये छोड़ा हूँ। तो जा रहा था पानी पीने के लिए, लगी थी प्यास बहुत तेज, पसीना हो रहा है ना, तब तक फोन आ गया, शेख सगल सैयारा गाड़ी चालू करो। अभी जो है 3:55 हो रहा है, नहीं 4 बज रहे हैं, और 6-7 बजे निकलेगी तो फोन करेगी तब जाऊंगा। अभी देखो उसके बाद ये आएगी तब वो जाएगी मैडमों की लड़कियाँ, अब देखो वो भी 4 बजे जाएगी या कल की तरह 8 बजे जाएगी, कोई वो नहीं है। तो गाइस आ गया हूँ रूम पर, यार प्यास लगी है, अभी 3 घंटे बाद फिर जाओ। हे गाइस बज गए हैं 10:30, मैडम की सिस्टर को लेकर आया था जिम से, तब से लेटा था, हमें लगा उसकी लड़की जाएगी जिम में, तो फिलहाल गए नहीं आज वो, अभी इंतजार करते करते मैडम का फोन आया है, जाना है उसके लिए सामान लेने के लिए, बकाला यानी सुपर मार्केट जाना है, बोली अल दुकान जाओ, तो मैसेज भेजी है तो उसमें कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो अल दुकान और नहदी जाना पड़ेगा। तो ये है थोड़ा कचरा, इसको सोचे लेके चले, पंखा चल रहा है चलने को। तो गाइस जो है गया हूँ, मैडम एटीएम दी है, गाड़ी में कचरा रखा हुआ यार, तो यहाँ पे आ गया है जिबाला, अरबी में बोलते हैं जिबाला, नहीं बोले तो डस्टबिन फेंक दें, देख रहे हैं क्या क्या फेंके हैं सब। तो गाइस अब चल रहे हैं सीधे अल दुकान पे।
हे गाइस, पूरी खरीदारी हो गई है और अभी जा रहा हूँ रूम पे। बज रहे हैं 11:30। तो अपने लिए जो है पेप्सी लिया हूँ, ट्विक्स लिया हूँ और बियर लिया हूँ। एक बियर तो पीते हुए जा रहा हूँ रास्ते में। बारबेक्यू का है, अब बाकी एक पेप्सी और एक बियर अभी पॉलिथीन में रखा हूँ। और ट्विक्स चॉकलेट है, 4 रियल में 3 पीस मिला था ऑफर, तो 3 लिया हूँ 4 रियल का। एक तो खा लिया, भूख लगी थी, बाकी 2 रखा हूँ। तो पहुँचने वाले हैं रूम पर। हे गाइस, बज गए हैं 12:07 और पूरा काम धाम खत्म करके अभी यही आया हूँ। पता नहीं पूरा पैर हाथ कहीं कहीं चुन 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 कर रहा है और दाना जैसे निकल रहा है। लगा एलर्जी है कि क्या है। गर्मी, यहाँ गर्मी गर्मी सो रहा है। बाहर निकला हूँ ना, पूरा लगा खुजलाने, उसके बाद दाना निकल गया बड़ा बड़ा अंदर से ही। अगर उसको खुजलाएंगे तो और ज़्यादा निकलेगा, नहीं खुजलाएंगे तो आधे घंटे बाद शांत हो जाएगा, ख़त्म कहानी। लेकिन कलबला रहा है बहुत ज़्यादा। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। तो बनाते हैं चावल और उसके बाद जो है लाए हैं पेप्सी, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। हे गाइस, बज गए हैं 1:15 और कपड़े निकाल के गया हूँ, एक थाली धुला हूँ खाने के लिए और चावल ख़त्म हो गया था तो उसका एक भगोना धुला हूँ चावल बनाने के लिए। तो चावल मेरा भी देख रहे हैं रेडी हो रहा है, होने वाला है अभी जो है 10-5 मिनट लगेंगे। तो अभी गैस पक रहा है, चिकन तो बनाना ही है, चिकन तो ऑलरेडी बन के रखा हुआ है, बिरयानी वाला चिकन। तो जब तक ये चावल होता नहीं तब तक थोड़ा सा करते हैं इंतज़ार और आराम। हो जाता है चावल, उसके बाद चिकन वगैरह करेंगे गर्म, उसका करते हैं बिस्मिल्लाह। तो गाइस जो है मेरा चावल बन के रेडी हो गया है और चिकन भी अपना गर्म कर लिया हूँ और प्लेट में निकल के रेडी हो गया है। तो चलिए अब करते हैं बिस्मिल्लाह। ये है बारबेक्यू का बियर। गर्म हवा आ रहा था यार, बना रहा था जब चावल। ये पेप्सी लाया हूँ तो पेप्सी है तो सोचा थोड़ा आज इससे पिए, देखें क्या होता है, कुछ अच्छा लगता है कि नहीं खाने के साथ। तो गाइस जो है चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह। आज का मेरा डिनर है बिरयानी वाला चिकन और सादा चावल। तो गाइस चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह। हे गाइस, 2:11 हो गए हैं और खा पी के अभी यही रेडी हुआ हूँ। तो अभी जा रहा हूँ सोने के लिए, आ रही है नींद। तो फिलहाल अब आज का वीडियो ब्लॉग यहीं पे करते हैं खत्म और अपने भाई को दीजिए दिल से इजाजत। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।